बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल वासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सूफी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सुजुकी GS150 के डिस्क ब्रेक। आज मैं आपको इसके जो डिस्क पैड में से आवाज़ आती है, आज मैं आपको इसके डिस्क पैड चेक करने का तरीका बताऊंगा कि इसके डिस्क पैड में से क्यों आवाज़ आती है। इस वक्त ये बाइक टोटल लेते वक्त क्या कर रहा है, बाइक जो है टोटल 7000 किलोमीटर चल चुकी हुई है। तो आज इसके हम डिस्क पैड खोल के आपको चेक करवाते हैं। डिस्क पैड खोलने के लिए दोस्तों आपके पास 12 नंबर की टी का होना ज़रूरी है। इस टी की मदद से आप इसके ये 3 पेज खोलें तो आपका जो है यूनिट बाहर आ जाएगा। तो जी दोस्तों, इसके ये पेज हमने खोल लिए हैं। ये 2 पेज जो होते हैं बेसिक, इसको इनके साथ जो है ना, इन्होंने कहेंगे ये इसके स्टॉक के साथ ये इसका यूनिट लगा होता है। और ये पेज जो है इसके डिस्क जिसके ऊपर पैड लगे होते हैं, उस प्लेट का है। मैं आपको दिखाता हूँ, सारा दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, इस पेज को हम खोलेंगे तो हमारी जो है डिस्क प्लेट जो है वो लैदा हो जाएगी। तो इससे आप जब भी अपनी बाइक के डिस्क पैड खोलें तो इनकी इन पत्रियों का ख्याल रखें। एक इसके ये नीचे वाली पत्री होती है, मैं आपको दिखाता हूँ जी दोस्तों। एक ये इसके ये देख रहे हैं, एक इसके छोटे पैड के नीचे पत्री होती है। और बेसिक इनके ये डिस्क पैड इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये पत्रियों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और कोशिश करेंगे अगर आप बाइक से भी अपनी बाइक का काम करवा रहे हैं तो आप इन पत्रियों का एक ख्याल रखें, ये पत्रियाँ आपकी जो है फिट होनी चाहिए। तो जी दोस्तों, इस वक्त ये आप अगर गौर करेंगे तो आपको ये इस प्लेट के ऊपर ये डिस्क पैडों के ऊपर निशान नज़र आ रहा है। तो ये निशान की वजह से इनके डिस्क पैड जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये टोटल 7000 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है। तो ये अगली ब्रेक का कहलेंगे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें टोटल जो है 3 पत्रियाँ होती हैं, एक इसके ये पैड के पीछे पत्री आती है और एक पत्री आपकी इस जगह पर आती है। तो आपको फिटिंग के दौरान मैं इन पत्रियों का बताता हूँ जी दोस्तों। मार्केट से आपको जो इसके ओरिजिनल पैड हैं तकरीबन 1550 रुपये के मिल जाएंगे और जो लोकल पैड हैं वो तकरीबन 750 के मिल जाएंगे। तो जो इसमें लोकल पैड हैं वो भी तकरीबन ठीक चल जाते हैं जो यूज़ किए हैं ओरिजिनल। तो जी दोस्तों, इस बाइक के अब मैं डिस्क पैड चेंज कर रहा हूँ। ये आपको मार्केट से दूसरे पैड मिल जाएंगे, ये तकरीबन 650 रुपये के पैड होते हैं। उस ऑर्गन की लेबर होती है डालने की, तकरीबन 750 रुपये का इसका खर्चा होता है। पैड में आपको अब इन दोनों पैडों का फ़र्क दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क क्या होता है इस पैड का जी दोस्तों। ये अब इनके जो पुराने डिस्क पैड थे आप उनकी पोजीशन देख रहे हैं और इन पैडों की आप पोजीशन देख रहे हैं, इनकी मोटाई भी आपको नज़र आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये किस पोजीशन में है। ये देख रहे हैं इनके ऊपर जो है निशान आ गए हैं। तो ये वजह बनी हुई है कि मुझे इनकी ये डिस्क पैड चेंज करने पा रहे हैं। और अब हम आपको इसके डिस्क पैड जो है वो चेंज करके दिखाते हैं। इसके डिस्क पैड चेंज करने के लिए नॉर्मली तो इसका ये पिस्टन जो होता है, इस पिस्टन को पीछे करना पड़ता है। इस पिस्टन के 2 तरीक़ाकार होते हैं कि आप इसको जोर लगा के भी पीछे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका है जिसकी मदद से इसका ये पिस्टन पीछे करके दिखाता हूँ। अगर नॉर्मली घर पर इसके डिस्क पैड चेंज कर रहे हैं तो आप इसके पुराने डिस्क पैड लगा लें इसके ऊपर, और उसके बाद आप पेचकश की मदद से इसके डिस्क पैड को मतलब पीछे कर सकते हैं। पेचकश की मदद से आप वाला पेचकस होना चाहिए। इसके 2 तरीक़ाकार होते हैं इन डिस्क पैडों को पीछे करने के। एक तो आप ये पेचकस की मदद से भी इसका कर सकते हैं डिस्क पैड पीछे। और मैं जो यहाँ पर तरीक़ाकार इस्तेमाल करता हूँ मैं इसका आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक टूल है जी, ये वाल पुलर है। ये बेसिक जो गाड़ियों के जो है वाल वगैरह बिठाते हैं, स्क्रूर की मदद से बिठाते हैं। और ये आप तो जी दोस्तों, इसके पिस्टन को ये देखें दोस्तों, इसका पिस्टन पीछे जाएगा तो ये आपकी गाड़ी के जो है नए पैड बैठेंगे इस तरीके से। ये अब इसका पिस्टन जो है मैंने पीछे बिठा दिया हुआ है, पीछे कर दिया हुआ है। तो अब हम इसकी
जगह पे जो है नए पैड फिट करेंगे। नए पैड फिट करने के लिए आपको जी दोस्तों ये वाली पतरी जो है आपकी इस जगह पर आ जाएगी। इस पतरी को आप इधर लगाएंगे, ये देखें दोस्तों ये पतरी आपकी इस जगह पर आ गई। और एक पतरी आपकी ये वाली उतरी भी थी, ये आपकी इसके पीछे आ जाएगी। और नॉर्मल जब आप ये अब इसमें मैं दूसरे पैड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसमें जो है ये पतरियाँ लगानी पड़ती हैं। तो एक इसकी ये पतले वाली आपको मैंने बताया था कि ये लंबे वाली पतरी है, इस पतरी को आपने लाजमी लगाना है। इस पतरी को अगर आप मिस करते हैं तो आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम होगी कि इसके जो है ना आपकी कले की टोए टिपों में जाएंगी तो आवाज़ आती है इसके पैड्स की। देखें दोस्तों अब ये पतरी हमारी जो है वो लग चुकी भी है, तो इसको एक पेचकस की मदद से जो है मैं बिल्कुल सीधा कर दूंगा इस पतरी को। ये देखें दोस्तों ये अब हमारी पतरी लग चुकी है, तो अब मैंने पेचकस की मदद से इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस जगह बनाई है और उसके बाद हम इसका ये वाला पेच लगाएंगे। और बड़े ही एहतियात के साथ हम इसको फिट करेंगे क्योंकि फिटिंग करते हुए बाज़ दफ़ा ये पैर जो है नीचे गिर जाता है। यार इधर वेख मेरे ना ना ध्यान ढाडा कितने होता है। इनको आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है। हालांकि इस मौजू पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जो है ना ऐसी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ जिससे आपको एक फ़ायदा हो। और इनको टाइट करने के बाद आप इसके इस रबड़ को इस जगह पर लगा लें और इसकी मैं ब्रेक को बनाऊंगा पहले। तो जी दोस्तों इसके बाद आप इसके व्हील को चेक कर लें कि आपका व्हील वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा, और इसकी ब्रेक को लगा के चेक कर लें कि ब्रेक इसकी सही वर्क कर रही है कि नहीं। दोस्तों वीडियो तो छोटी सी थी लेकिन आपको दिखाने का सिर्फ इतना सा ही मकसद था कि आप अपनी बाइक का कोई भी काम हो तो आप खुद भी वो कर सकते हैं। बस थोड़ी सी टेक्निकल माइंड आपको होना चाहिए, थोड़ा आप कहेंगे आप अपनी बाइक के हर तरह का काम कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ भी मान।